लीलाबाई। वैसे तो जिंदगी ने बीते 85 सालों में ढेर अनुभवों का एहसास कराया गुरु, लेकिन ओफ, बुढ़ापे में रिश्तों से जुड़े असल सच ने अपनी लीला भी दिखा दी। धापू बाई, आंखों ने साथ छोड़ दिया, बुजुर्ग पति बिस्तर पर हैं और जिसे सब कुछ सौंप कर पाला था ना, ओफ, वही असल रंग दिखा गया। एक छत और थोड़े से धन के लिए ओफ, पूत कपूत हो गए। लेकिन शुक्र है साहब, कोई था साहब जो साथ आ खड़ा हुआ, जो बेटा ना होकर भी बेटे का फर्ज निभा गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी एक बार फिर श्रवण कुमार बनकर लोगों के दिलों में जगह बना गए गुरु। लीलाबाई शहर के सिलावटों का बाग क्षेत्र में रहती है। ये हिस्सा है ना शहर के मध्य में आता है, जिसकी कीमत भी 75 लाख की राशि के साथ आसमान छू रही है। लेकिन उम्र के इस मोड़ पर आकर बेटों और बहुओं ने बेघर कर दिया। मकान के नीचे वाले हिस्से में ताला लगाकर उस माँ को सड़कों पर ला दिया साहब, जिसने अपना जीवन इन कपूतों के लिए खपा दिया था। बुजुर्ग लीलाबाई मजबूरी में कलेक्टर साहब के सामने फरियाद लेकर पहुंची। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी ने तत्काल एक्शन लिया। अमला लीलाबाई के घर पहुंचा गुरु और दो टूक शब्दों में बेटों को कड़ी वाली समझाइश दे डाली। साथ ही मकान और 250 ग्राम चांदी के कड़े, 2,13,000 नकद और अन्य कागजात बुजुर्ग अम्मा के हवाले कर दिए। कुछ ऐसा ही तालो तहसील ताल की धुपा भाई के साथ भी हुआ। पति बीमार है और दत्तक बेटे ने है ना साहब नीले आसमान के तले कर दिया। एक्शन तो यहाँ भी हुआ और धुपा भाई के झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी गुरु। अच्छा होता है ना, कलेक्टर्स को लेकर अक्सर ठसक से जुड़ी खबरें आम होती हैं, लेकिन नरेंद्र सूर्यवंशी जी ने अपने काम, व्यवहार और गंभीरता के चलते साबित कर दिया गुरु कि सेवा की राह आखिरकार क्या कुछ होती है। चलिए धूपा और लीला दादी की दुआएं तो साहब को मिली है, लेकिन लोग भी बोले बिना ना रह सके। तसी कमाल हो कलेक्टर बाबू। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।